喂！哇！三。तो ये बिल्डिंग से कुछ छलावा टाइप सुनने में आया कि एक चीज है वो उधर लोगों ने नमाज के टाइम ना तारों पे लटकी देखी है। उसका मुंह इतना बड़ा, उसका मुंह था गुरुद्वारा भी है, उसी जगह पे है। कैमरा पकड़ो, अंदर से व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्या होगा। मेरे साथ हैं एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, और शबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं हम तीनों, जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करके अपनी कीमती राह से आगाह करते हैं, तो सबका बेहद शुक्रिया। लास्ट एपिसोड पर बहुत ज़्यादा आप सब ने प्यार दिया, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का ये निशान जो नज़र आ रहा है नीचे वीडियो के, इसको अभी दबाएं, साथ एक बेल की निशान होगा, आइकन होगा, उसको प्रेस करें, पुश करें और आपको हमारे हर एपिसोड का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होगा मिल जाएगा। तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। तो गाइस, आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे इलाके में जिसे गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम तीनों लाहौर के रहायशी हैं और हम तीनों लाहौर में ही पले बढ़े हैं, यहीं पर हमारी पैदाइश हुई है, लेकिन हमने आज तक गोस्ट टाउन के बारे में नहीं सुना था। लाहौर में मौजूद एक ऐसी जगह जिसे गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर हमें कुछ ऐसे अनगिनत वाक़यात के बारे में सुनने को मिला जो तकरीबन यकीन करना नामुमकिन था, लेकिन यकीन हमें करना पड़ा। यहाँ पर ये आवाज़ सुनी था, लेकिन यकीन हमें करना पड़ा। यहाँ पर ये आवाज़ सुनी आपने, यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ों का सामना हमारा आते ही हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी मसला है कि जिन्नात का तो डर है ही है, यहाँ पर और भी बड़े मसाइल इस जगह से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उस बातों की तरफ नहीं चलते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा मैसेज हो जाएगा ये। तो हम आपको जो है, जो पर्पस है हमारा है, वो पर्पस ये है कि यहाँ पर
जो ये इलाका है ये गोस्ट टाउन के नाम से क्यों फेमस है। आज से तकरीबन एक महीना या डेढ़ महीना पहले इस जगह पर मैंने विज़िट किया था डे के टाइम, तो मुझे यहाँ पर दिन के टाइम काफ़ी साइन मिले, काफ़ी जगह ये हॉन्टेड थी। अभी हम बिल्कुल ओपन खड़े हैं और एहसन भाई, शहबाज़ भाई के फेस, मेरे फेस पर आप देखोगे पसीना आ रहा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा खौफ है। तो शहबाज भाई, जब आपने यहाँ पे अंदर जाके देखा तो आपको कैसी आवाज़ों का सामना करना पड़ा, ज़रा बताएं। आवाज़ें तो असल अजीबोगरीब यहाँ पे हो रही हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ ऐसी है कि ये पत्ते जो गिर रहे हैं ना, इसकी इतनी क्या आवाज़ है कि बंदा ना जो इतना डर जाता है ना आगे जाने की, वो जरूरत नहीं करता। और यही बात अंदर की, अंदर तो इतना खौफ है, अभी हम चलते हैं ना आपको दिखाएंगे अंदर इतना खौफ है। जब हम मेन गेट के, गोस्ट टाउन के मेन गेट पे एंटर थे ना, वो इतना भारी गेट है, वो अपने आप खुल गया। उसको देख के मैं कहता हूँ, मैं उसको देख के ना मेरी टांगे मैं जवाब दे गई कि अंदर नहीं जाना, इतना भारी गेट है वो दरवाज़ा जैसे वो खुला है ना, जैसे कोई खुशामद करता है कि आ जाएं, वेलकम करता है, वो ऐसे दरवाज़ा खुला और अंदर आते ही। नया नहीं है कि नया हो तो चलो आराम से हो जाता है, वो काफ़ी पुराना है, जंग लगा हुआ है, फिर भी आराम से ऐसे खुला है जैसे किसी ने पकड़ के उसको खींच लिया है। उसको जब हमने बंद किया ना तो काफ़ी ज़ोर लगा हमारा। अब हमने उसको बंद किया कि क्योंकि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी मसले इस जगह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग अंदर आते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें सुनने को मिली इस जगह के हवाले से। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर टारगेट होते हैं, अब वला आलम वो जो है किडनैपर किडनैप करते हैं बच्चों को, या फिर वो गैर बड़ी मखलूक है, या क्या है इस जगह पर जो हम नहीं देख पा रहे, जो लोगों ने नहीं देखा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे भी इसको टेलीकास्ट किया गया इस न्यूज़ों को, कि बच्चे जो है गायब हो गए। हमारा तकरीबन जो मीडिया है वो हॉन्टेड प्लेसेस या हॉरर जो वीडियो होती है, हम उसको ज़्यादा अहमियत नहीं हसन भाई दी जाती। इस वजह से ये जो है ना वीडियो, ये जगह वायरल नहीं हुई। लेकिन जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं लाहौर में, गोस्ट टाउन के नाम से ये मशहूर है, और गूगल मैप के ज़रिए हम इस जगह पे आए हैं, और वहाँ पे भी गोस्ट टाउन ही लिखा हुआ है। तो अब हम एहसन भाई अंदर चलते हैं, मुंह सूख रहा है इस जगह पर, इतना ज़्यादा खौफ है कि गाइस आपको बता नहीं सकते। रात का 1 बज रहा है, साथ ही मेन रोड है लाहौर से, तकरीबन लाहौर के किनारे पर हम मौजूद हैं, तो काफ़ी लातदाद गाड़ियाँ रात के वक्त यहाँ से गुजर रही हैं, क्योंकि लोडर गाड़ियाँ भी रात के टाइम गुजरती हैं, तो इसलिए आपको हो सकता है आवाज़ें सुनाई दें। लेकिन आज हम माइक्स ज़्यादा लेके आए हैं, हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पे सारे साउंड्स रिकॉर्ड करें। तो एहसन भाई कैमरा पकड़ते हैं, तो हम बिल्डिंग में अंदर चलते हैं। तो जो आज का पर्पस है गोस्ट टाउन के हवाले से, गोस्ट टाउन की जो इस मेन एंट्रेंस पे मौजूद हैं, ये एंट्रेंस एहसन भाई दिखाएं कि एंट्रेंस पर ही एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसकी उम्र ऐसे लग रही है जो कि क्या हुआ, कैमरा इधर करना ज़रा। बताओ उसे। जगह को मैं गाइस बार बार देख रहा हूँ कि इतनी खौफनाक ये जगह है, शायद कि हमने कभी पहले देखी हो यहाँ पे। मैंने वो क्या होगा कि सफ़र में ये इस तरह का इलाका नहीं देखा, ना इस तरह की जगह देखी है। ये पेड़ दिखाइएगा एहसन भाई, ये देखो कितना काफ़ी पुराना, काफ़ी अर्सा पुराना लग रहा है, और काफ़ी इसकी उम्र है इस दरख्त की। चले आगे। शहबाज़ ये कुछ, एहसन भाई ये क्या, साइड पे भी जगह है इसकी, आगे आओ जरा। ये जैसे किसी कॉलोनी की जो है एंट्रेंस पर जो गार्ड्स वगैरह का होता है ना रूम, वो लग रहा है मुझे। इसका
आवाज आई शबाज, आवाज आई शबाज, इधर जैसे किसी ने इसको किसी ने इसको ये क्या, ये क्या गिरा? वो यार आते ही यार हसन भाई, वो ये देख इधर से कोई चीज गुजरी है, वो देखे धुआं धुआं, वो ये देख इधर से कोई चीज गुजरी है, वो देखे धुआं धुआं, यार हसन भाई बाहर निकलो, बाहर निकलो यार, बाहर निकलो, ये जगह इस जगह से हटके है तो फिर यार भी वो सारा एरिया ऐसा ही है, ये सेम ऐसे ही है। असल में ना शबाज भाई मैंने कुछ दुआ पढ़ी थी वहाँ पे जाके, कमरा खोलने से पहले मैं कुछ दुआ पढ़ी है जिससे जिन्नात को तकलीफ़ होती है, तो मैंने दुआ पढ़ी थी, मेरे ख्याल से कुछ उसी वक्त हैपनिंग शुरू हो गए। सुनी आवाज, तो भाई क्या हुआ शबाज, लाइट इधर, इधर से आवाज आई। असल भाई दीवारों पे लकीरें देखो यार, मैं तस्वीरें ले लूं यार इस जगह की। शबाज ये बड़ी उंगलियां लगी हुई हैं यार, जैसे पता नहीं क्या चीज़ होती है, जाले देखे। ये किस चीज़ का नक्शा है यार? असर ये देखो, ये देख रहे हैं उंगलियों के निशान, EMF। चल पड़ा यार हसन भाई, ओए 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 अंदर से आवाज आई है, हसन भाई अंदर आए। शुभाष भाई लाइट देंगे, लाइट लाइट चलाएंगे, लाइट ना लाइट चलाओ अंदर, इधर कोई रास्ता लग रहा है। एक मिनट यार, यार शबाज लाइट चला, ऊपर ना कोई स्लैब वगैरह ऊपर से आवाज आई, बाहर आओ ना इधर से, जो रास्ता उधर से चलो। चलो एहसन भाई, एहसन भाई घोड़े की नाल लगाई हुई है, मतलब समझते हैं। मतलब समझते हैं, माय गॉड। असद हाँ बारी में कौन है? कौन है खड़ा यार उधर? असद अंदर चलो, वे हसन भाई ऊपर से आवाज आई सीलिंग से। वो वो देख, वो देख यार ऊपर कोई है अंदर सीलिंग के ऊपर, वो हो सकता है।
मुड्डी जो कहते हैं जिसे, ये वो दे, वो दे। असर भाई क्या हो रहा है ऊपर सीलिंग के ऊपर, कोई है ये लेंगे, ये देखिए आप, ये लेंगे, ये देखिए आप, कौन है है कुछ यार। शबाद इधर आ जा, शबाद, शबाद सर मुझे कोई लग रहा है यार यहाँ पे, यार शबाद इधर आ जा यार। शासन भाई वो ही जो हवा में उड़ा था, ये नीचे पड़ा हुआ था आगे। ऊपर लगा यार, ऊपर कैसे लग सकता है, यार इसके ऊपर कैसे कोई फिर सकता है, पता नहीं। ओए 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 एक मिनट कहां जा रहा है, ऊपर से बच के इसको क्या हो गया यार, ओए वाह सुन, वाह सुन, ओए वाह सुन, वाह सुन, वाह सुन, ये अपने आप इधर गई है। बड़े ध्यान से यार, क्या हो रहा है, कैमरा इधर करो, हो गया यार, देखो यार कौन है, वो दे वो दे वो दे, वो सामने देखो ऐसे ना भैया, आवाजें आ रही उधर से, दरवाजा बंद हुआ है सर, जाले लगे हुए हैं यार, ये हुआ है उधर भी, दो वॉशरूम है इधर भी है यार, कितने पुराने हैं हसन भाई, दरवाजा बंद हो गया हसन भाई, कुछ ज्यादा ही अपनी है इधर तो, बहुत ज्यादा है यार, कौन है, वो कैमरा इधर करो असर भाई, मुझे लगा यार यहां से कोई भागा है, कौन है,
हसन भाई इधर आना, इधर इधर क्या हो रहा है यार? किसी चीज को भी यार क्या है? कौन है? क्या है? कौन है? यार मेरे कानों में दर्द होने लगी है यार। शबाज दूसरे कमरे में। हाँ शबाज का भाई। अल्लाह बड़े मामले खराब है यार, इधर तो जगह बहुत भारी है। मामले खराब है। सुन भाई ये देख, ये देखो वो किसी चीज को घसीटा गया है। इधर से सब जा रहे हैं। आगे आओ चलो जरा। ये जा रही गाइस देखे हैं किसी चीज को घसीटा। ऐसा भाई क्या हुआ? वो क्या हुआ यार? मुझे पकड़ के खींचा किसी ने। यार ये नहायत ही यार भारी जगह है यार। चलो हसन भाई, हसन भाई इधर आ गया, आगे चलो। ये क्या यार? फादर गई है। अच्छा इधर से घूम के निकल भी गई है। ऐसा भाई वो चीज को घसीटा था, वो निशान इधर आया। इधर ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। हसन भाई शबाज इधर जा रहा है, इधर आ जाओ। ओ देखा है हसन भाई, फ्रेम नहीं कटना चाहिए, अंदर चलें जरा। शबाज भाई क्या ये दिखाना हमने अंदर कैसे बंद हुआ है ये। ओ देखा है हसन भाई, फ्रेम नहीं कटना चाहिए, अंदर चलें जरा। शबाज भाई क्या ये दिखाना हमने अंदर कैसे बंद हुआ है ये। कोई चीज नहीं है यार, दरवाजा कैसे बंद हुआ है? ओए ये किस चीज की शक्ल है यार? क्या किधर हसन भाई? हसन भाई आवाज सुन रही है आपको? आवाज आई मुझे, मुझे लग रहा है यार इधर को कोई भागा है। किधर हसन भाई? ये जो हसन भाई आवाज सुन रही है आपको?
आवाज आई मुझे। ये मुझे लग रहा है यार इधर को कोई भागा है। आगे भैया ये निशान कहाँ तक जा रहा है असन भाई, इसको तो देखें। असन भाई आगे आओ, किसी ने ये कौन है यार पीछे कोई पायल की आवाज आ रही है तो। हाँ हाँ क्या हो रहा है यार। ला हाँ हाँ क्या हो रहा है यार। ला जो भी है हमारे सामने आए। ओए कौन है वे? कौन है क्या हुआ? उठ गई थी यार हवा में यार। आईडी कार्ड था। ये मैं गिर गया, मेरा यार किसी ने मेरा हाथ पकड़ा यहां से। किधर है किधर है ये पढ़ाई ये मैं पढ़ा गया यार। मुझे उसने मारा यार कुछ चीज उठा के। हसन भाई कुछ चीज थी यार हसन भाई मेरी टांगे ऐसे मुझे महसूस हुआ कि ऐसे हवा में उड़ी हैं यार। मैंने खुद देखा है यार मैं इसकी शबाद को नहीं एकदम खाया। हाँ। यार किस तरफ देखो यार, जिस तरफ जाओ उसी तरफ है अपनी। अल्लाह अल्लाह वो यार पकड़ो यार। असद क्या हुआ है उठ। ऐसे ना भाई किसी ने उठा के मारा यार। यार लगे तो नहीं इसके बच गए हो क्या था यार इधर। इसका पांव पकड़ के खींचा यार। उठो असद उठो भाई। ओए सीने में दर्द होने लगी है। क्या था यार इधर ऐसा ना भाई। देखा यार मैंने एकदम से इसका पांव पीछे भी नहीं। यार इतनी भारी जगह है ऐसा ना भाई। ये कौन है यहाँ पे? सदी सर को पकड़ो। शिवाज भाई पीछे क्या पकड़ा था? कौन है? उठो उठो यार उठो उठो सर। खतरनाक जगह है यार।
सामना करना पड़ेगा यार इन लोगों का यार। ये पकड़ो, क्या पकड़ो। हसन भाई रिकॉर्ड हुई है? हाँ यार। क्या चीज से? कुछ पता नहीं चला किसी ने। यार मैंने हाथ देखे यार, थोड़े से नजर आए मुझे, ऐसे करके इसको उठा के फेंका किसी ने। जैसे वहां पे मेरी वो आ गया। अच्छा ये पकड़ो। ओए ओए ये पैरों के निशान है इधर। ओ ये बच्चे के पांव यार। इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है? ओए होए होए ये देखो इधर भी है। ओह माय गॉड यार यार। असद तेरे नीचे भी पांव के निशान यार बच्चे के। भाई ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक साल के बच्चे के पैर के निशान। छोटे बच्चे के पैर के निशान यार। ये बहुत छोटा बच्चा है यार, और इतना बच्चा तो चल ही नहीं सकता। इतना बच्चा इस जगह पे क्या करने आएगा हैं? इतना बच्चा यहाँ पे क्या करने आएगा यार? इतने छोटे छोटे पाँव यार, बिलीव नहीं हो रहा। ऐसा भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर बहुत बुरा लगा नीचे, और नीचे सख्त वही हाथ यार जिहड़ी हाथ। हाँ आवाज आई शुबाज ना, वो कोई चीज इंसानी नुमा शक्ल में थी और वो ऐसी यहाँ पे टहल रही थी। ऐसे यार ऐसे हाथ पे उसके खुले थे। ऐसे भाई उसी जगह से आवाज आई। शुबाज भाई क्या क्या कवर करें यार। कौन है? ओ वही 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 खड़ा था यार। ये दरवाजा बंद हो गया। ऐसा भाई यहाँ पे मैंने देखा यार उसको। अल्लाह बंद हो गया। ये क्या? ओए इसको क्या हुआ? मारा इसको किसी ने यार। थप्पड़ मारा, यहां से मारा।